ये देखें गाइस, इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 3 पाव चावल लिए, सेला राइस है, ये मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये मैंने गोश्त लिया है, ये 3 पाव गोश्त है और 2 इसके साथ नलियां लिए मैंने। ये देखें, ये मैंने 1 पाव प्याज लिए, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसको हमें ब्राउन करना है। थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है, आधे किलो मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये देखें, इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट लें आप। ये लिया है मैंने मिर्चें लिए हैं थोड़ी सी साबुत, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच, जीरा लिया है मैंने 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें, आधी चम्मच हल्दी, 2 तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी मैंने गरम मसाले लिया है, देखें काली मिर्चें हैं इसमें, लौंगे हैं, और ये मैंने थोड़ी सी जायफल जावित्री ली है। चलिए तो गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले में हम टमाटर डाल देंगे। ये देखें, ये मेरे फ्रीज हुए हुए थे टमाटर, ये अब मैं इसमें गोश्त भी ऐड कर दूंगी। ये बहुत आसानी से बन जाती है गाइस, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, अदरक लहसुन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तकरीबन मैं 1 कप के करीब इसमें तेल डालूंगी। ये देखें, मैंने तेल डाल दिया इसमें, और तकरीबन 2.5 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखें, पानी भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 40 मिनट। जब तक ये तैयार हो रहा है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, 40 मिनट के बाद गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, गल गया है बिल्कुल। थोड़ी सी देर इसको और पकाऊंगी अभी। अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा है इसमें, थोड़ा पानी ड्राई हो जाए इसका, जब तक हम चावल बॉईल कर लेते हैं। ये देखें, मैंने 1 पतीले में तकरीबन 6 गिलास पानी लिया है, उसमें मैंने वो चावल ऐड कर दिए हैं, 3 पाव चावल जो लिए थे हमने। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, 4-5 मैंने हरी मिर्ची डाली है, और नमक और ज़ीरा डाला 1 चम्मच। ये देखें, मैंने प्याज ब्राउन कर ली है, और ये हम तेहे में लगाएंगे। ये हमारे तकरीबन रेडी हो गया, थोड़ी सी मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी, ब्राउन प्याज। ये देखें, बस मैं 5 मिनट और भूनूंगी ताकि इसका तेल सेपरेट हो जाए। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बकरीद आ रही है, आप इस पर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है गाइस। ये देखें, चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं पूरे, बिल्कुल बस एक कनी रहने चाहिए चावल में कसर। बस मैं इसको पसा लूँगी चावलों को। ये देखें, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया मसाला। अब मैं इसमें हरा मसाला ऐड करूंगी। ये देखें, सारा का सारा आपने हरा मसाला इसमें ऐड कर देना है, और जो प्याज हमने ब्राउन करी वो भी इसमें ऐड कर देनी है इस तरह से। और जो एक कप मैंने दही ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग मिला लिया है उसको, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये तकरीबन आधा पाव दही है, इसको इस तरह से ऐड कर दें इसमें। अब मैं चावल जो मैंने पसा के रखे हुए हैं वो मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें, बस मैंने थोड़ा सा वो बचा था जर्दे का रंग, वो मैंने ऊपर डाल दिया। अब मैं इसको दम पे लगाऊंगी 20 मिनट। 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है, और एक एक चावल खिला खिला है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार बनी है गाइस। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। ये देखें, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।